देवी और सज्जनो, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारे बॉलीवुड के हीरोज को फिजिक्स, ग्रेविटी और लॉजिक तीनों की एक साथ धज्जियां उड़ाते हुए। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटी तो एक मिस्टेक है। न्यूटन खुद साला पेड़ के नीचे बैठा सो रहा था, उसके सर पे सेब गिरा तो बोलता है ग्रेविटी है, यहाँ बताओ कहाँ है ग्रेविटी। तो यहाँ हमारे संजू बाबा ने ये अपने ग्लासेस बहुत ही स्वैग में फेंके अपने आगे और फिर संजू बाबा बी लाइक स्टैचू और हाई ला, ये क्या देख रहे हैं हम, ग्लासेस हवा में फ्रीज हो गए। ग्रेविटी बी लाइक अरे संजय दत्त है भाई रुक जाओ दो मिनट। फिर संजू बाबा ने देखा पीछे से चार चाकू आ रहे, फिर उन्होंने हर एक चाकू को गोली से उड़ा दिया और फिर उसके बाद बहुत ही स्वैग में अपने ग्लासेस जो अभी तक हवा में तैर रहे थे उनको बहुत ही स्वैग में पकड़कर वापस पहन लिया। और इस पूरे कार्यक्रम में जब तक संजू बाबा ने अपने चश्मे को आगे फेंक के पीछे चारों चाकुओं को उड़ा के अपने चश्मे वापस नहीं लगा लिए, ग्रेविटी वो कोने में बैठी पॉपकॉर्न खा रही है। अरे वाह संजय दत्त हाई ला। आगे बढ़ते हुए तो अगला सीन जो हम देख रहे हैं ये बॉलीवुड नहीं है, टॉलीवुड है, बट बॉलीवुड टॉलीवुड। तो ये सीन जो अभी हमने देखा ये किसी सुपर हीरो मूवी का नहीं है, ये सीन है हमारे साउथ के सुपरस्टार बालकृष्ण की एक मूवी का सीन, जिसमें अगर वो अपनी जांग पर हाथ मार दे तो उनकी उंगली में अद्वितीय शक्ति आ जाती है, जिसके बाद फिजिक्स, ग्रेविटी, लॉजिक, लॉज ऑफ मोशन बेकार, सब बेकार। लेकिन यार ये तो सिर्फ कुर्सी थी, अपनी जांग पे हाथ मार के ऐसे इशारा करके कुर्सी को तो कोई भी खींच दे, मैं कह रहा हूं ये ट्रेन को धक्का लगा के दिखाए तो मानू। बाबा जी मुझे अपना भक्त स्वीकार करो, बालकृष्ण बाबा मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे अपने जैसा बना दो, मतलब लॉजिक की तो कुछ भी। आगे बढ़ते हुए तो अगला सीन जो हम देख रहे हैं ये है मिथुन दा और जाकी दादा की एक मूवी यमराज का सीन, जिसमें हम देख सकते हैं कि मिथुन दा बहुत दुखी है क्योंकि उनकी माता जी अब गुजर चुकी है, उनकी चिता को आग दी जा रही है, लेकिन अचानक से गुंडों ने हमला कर दिया है और इसके बाद हमारे दोनों स्वैग हीरोज को 50 गुंडे घेर लेते हैं। अब यूजुअली गुंडों के पास चाकू, तलवार, गोलियां ऐसी चीजें होती है, लेकिन 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 ये गुंडों का स्वैग थोड़ा सा ज्यादा है। हर एक गुंडे की छाती पे बॉम्ब लगा हुआ है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, हर एक गुंडे की छाती पे बॉम्ब लगा हुआ है, ना चाकू, ना छुरी, ना गोली, ना तलवार, सीधा बॉम्ब। बट अब इससे भी मजे की बात, हमारे दो स्वैग हीरोज जो ऐसे 50 लोगों से घिरे हुए हैं जिनकी छातियों पे बॉम्ब लगा हुआ है, वो अब इनसे कैसे निपटेंगे? वो अपनी माँ की जलती हुई चिता पे मुक्के मारेंगे। अरे तुम स्वैग देख रहे हो हमारे स्वैग हीरोज का, नहीं मतलब अपनी माँ की जलती हुई चिता पे घूसे मारने शुरू कर दिए और फिर उससे लकड़ियां उड़ते हुए जा रही हैं और वो जलती हुई लकड़ियां वो छाती पे लगे बॉम्ब पे टच करती है और फिर वो बॉम्ब फट जाते हैं और फिर रैंडम 10-15 एक्सप्लोजन होने लग जाती है। अबे क्या चल रहा है ये, मतलब लॉजिक गया तेल लेने। और इस अगले सीन में हम देख रहे हैं ये मिस्टर बालकृष्ण ने अपनी बाइक कुदवाई और सीधा ट्रेन के ऊपर बाइक चढ़ा दी, पॉसिबल कैसे हुआ ये समझ नहीं आया, लेकिन अब ये बाइक को कुदवाते कुदवाते आगे लेकर गए ट्रेन के आगे और अब ये ट्रेन इनके नजदीक आती जा रही है और ये बाइक इन्होंने रोक दिया और ये बाइक से कूद गए और बाइक ब्लास्ट हो गई। तो बालकृष्ण जी कहां गए, गुजर तो नहीं गए? ओह नो, बालकृष्ण जी तो ट्रेन के नीचे है। ओह माय गॉड, माय सुपर हीरो, ये कैसे हुआ, ये कौन से लॉजिक से बाइक फट गई थी तो ये ट्रेन के नीचे कैसे पहुंच गए, मतलब कुछ भी। कसम से इन सीन्स को देखने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट सीन। कमान गिरी,
एक इंसान की फूक में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो करके एक स्विच को ऑन या ऑफ कर दे? कैसे हो सकता है यार? तुम ट्राई करना, तुम अपने बॉटल का ढक्कन लेना और उसको अपने मुंह में डाल के करके मार मार के अपनी लाइट का स्विच ऑफ या ऑन करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। एक्चुअली ये करना, मुझे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भेज देना, मैं तुम्हें पक्का अपनी अगली वीडियो में डालूंगा। एट ट्रिगर्ड इंसान, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो वीडियो भेज ही देना मेरे को। नहीं, क्योंकि सच्ची में मेरे हिसाब से इंसानी फूक में इतनी शक्ति नहीं है कि फूक करके फेंकी जाए चीज एक स्विच को ऑन या ऑफ कर सके। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा देना, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। To the people who trusted me, goodbye, goodbye to everybody.